अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह रखा गया है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं रहेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक किसी भी मुख्यमंत्री या राज्यपाल को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने लोकमत समाचार से विशेष बातचीत में ये जानकारी दी। लोकमत समूह की इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक हलचल मच गई है। लोकमत समूह ने अपने पाठकों को ये बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राम जन्मभूमि शिलान्यास समारोह जो 5 अगस्त को होने वाला है उसमें नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि बुलाया तो भारत के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं गया है उस समारोह में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा, मगर उद्धव ठाकरे का न बुलाए जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लोकमत को बताया गया आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने लोकमत को यह बताया कि उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया जाएगा। उसका कारण उन्होंने एक तो ये बताया क्योंकि किसी भी चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जा रहा, मगर उद्धव ठाकरे के इस बयान से उनको भारी ठेस पहुंची है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है शिलान्यास समारोह होना चाहिए, कोविड चल रहा है और इसलिए शिलान्यास समारोह में लाखों लोग शामिल होना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि इस वक्त देश में 12 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, 6 अन्य राज्यों में उनकी गठबंधन के तौर पर सरकार है, लेकिन उनमें से भी मेजबान यूपी को छोड़कर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इस ऐतिहासिक अवसर पर नहीं बुलाया गया। उद्धव ठाकरे के ताज़ा बयान पर वीएचपी के आलोक कुमार ने कहा कि उद्धव जी का बयान उनके विरोध को ही दर्शाता है और हमें अफसोस है कि एक वक्त श्री बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व वाली हिंदुत्ववादी पार्टी का ऐसा पतन हुआ है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन एक अनिवार्य और पवित्र संस्कार है जिसमें हम भूमि माता से काम शुरू करने के लिए अनुमति मांगते हैं। ये काम भला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैसे संभव है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।